दोस्तों, जब भी हम बॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में पढ़ते हैं तब एक बात जरूर जहन में उठती है कि ये हीरो किसके कारण बनते हैं। और इसका जवाब भी बहुत आसान है कि जब भी विलेन आते हैं तभी हीरो की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे बॉलीवुड में विलेन के रोल इतने स्ट्रॉन्ग रहे हैं कि आज आमिर खान, शाहरुख खान से लेकर अक्षय कुमार तक विलेन के रोल करना चाहते हैं। और कन्या लाल से लेकर अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा तक एक से एक ऐसे खतरनाक विलेन रहे जिनका जलवा पूरे हिंदुस्तान में रहा है। और इनके स्टारडम के आगे हीरो की भी चमक फीकी रही। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे ही बॉलीवुड के 10 सबसे खतरनाक विलेन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कन्हैया लाल। भारत की बेहतरीन फिल्मों में शामिल मदर इंडिया में लाला की भूमिका निभाने वाले कन्हैया लाल के बिना ये लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि विलेन होने का जो रुतबा कन्हैया लाल ने देखा है वह शायद ही किसी ने देखा हो। उन्होंने मदर इंडिया, सितारा, सत्यम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया। बॉलीवुड के 10 खतरनाक विलेन की लिस्ट में कन्हैया लाल 10वें नंबर पर हैं। अमजद खान। बॉलीवुड फिल्मों के बेहतरीन अदाकार और गब्बर के नाम से मशहूर विलेन अमजद खान की विलेनगिरी के सभी लोग कायल थे। उन्होंने शोले में ऐसा विलेन का किरदार निभाया था कि लोगों की जुबान पर आज तक गब्बर का नाम है। बॉलीवुड के 10 बेहतरीन खलनायक की लिस्ट में अमजद खान 9वें नंबर पर हैं। उन्होंने शोले, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर और कालिया जैसी कई फिल्मों में खलनायक का यादगार रोल निभाया था। अजीत। पुरानी हिंदी फिल्मों के विलेन अजीत इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं। उन्होंने विलेन के रोल में प्रसिद्धि के नए रिकॉर्ड रचे और इनके डायलॉग सारा शहर मुझे लोयन के नाम से जानता है और मोना येलो सोना आज तक बोले जाते हैं। उन्होंने पतंगा, नकाब, नया दौर, बड़ा भाई जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में विलेन का किरदार निभाया था। शक्ति कपूर। लगभग 500 फिल्मों में काम कर चुके शक्ति कपूर की पहली फिल्म दरवाजा थी और इनकी अगली फिल्म कुर्बानी एक सुपर ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। शक्ति कपूर ने विलेन के रोल में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया जिसे पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। शक्ति कपूर ने कुर्बानी, सत्ते पे सत्ता, चालबाज, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में दमदार रोल निभाया था। शक्ति कपूर इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। गुलशन ग्रोवर। अगर कहा जाए कि बॉलीवुड का सबसे चार्मिंग विलेन कौन सा है तो एक ही जवाब आता है, गुलशन ग्रोवर। बॉलीवुड का बैड बॉय गुलशन ग्रोवर ऐसे पहले विलेन हैं जिनकी लड़कियां दीवानी थी और अनेक फिल्मों में उन्होंने अपनी बैड एक्टिंग के भी जौहर दिखाए थे। गुलशन ग्रोवर ने सोनी महिवाल, सदमा, दूध का कर्ज, सौदागर जैसी बड़ी फिल्मों में बेस्ट विलेन किरदार निभाया था और इस लिस्ट में ये 6ठे नंबर पर हैं। डैनी डेंजोंगपा। डैनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रसिद्ध फिल्म शोले में मुख्य खलनायक के रोल में लिए जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से इनकी जगह अमजद खान को लिया गया। बहरहाल डैनी बॉलीवुड के स्टाइलिश विलेन रहे हैं जिनके काम को हर किसी ने सराहा। डैनी ने घातक, खुदा गवाह, सनम बेवफा, अग्निपथ और काला सोना जैसी सफलतम फिल्मों में विलेन का जबरदस्त किरदार निभाया था। डैनी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। रंजीत। रंजीत बॉलीवुड के 4थे सबसे खतरनाक विलेन हैं। बॉलीवुड का रियल बैड बॉय अगर कोई है तो वह है रंजीत। रंजीत अपने टाइम में विलेन के रोल में बहुत ही मशहूर थे और हंसी मजाक में इनके बारे में एक बात कही जाती है कि हीरोइनें फिल्म में अपने रैप सीन के लिए रंजीत को ही पसंद करती थी। रंजीत ने बॉलीवुड को नमक हलाल, लावारिस, अमर अकबर एंथनी और राज तिलक जैसी जबरदस्त फिल्में दी। अमरीश पुरी। जब तक बॉलीवुड के विलेन में अमरीश पुरी का नाम नहीं आता तब तक कोई भी बात अधूरी रहती है। सिर्फ आंखों से ही डायलॉग बोलने वाले अमरीश पुरी अपने दौर की लगभग हर फिल्म में विलेन रहे हैं और हर फिल्म में विलेन के रूप में इनका होना ही फिल्म में जान डाल देता था। एक दौर ऐसा था जब लोग केवल अमरीश पुरी को ही देखने सिनेमा घरों में जाया करते थे। अमरीश पुरी ने मिस्टर इंडिया, दामिनी, गदर, करण अर्जुन और घायल जैसी कई फिल्मों में यादगार किरदार निभाया था। अमरीश पुरी इस लिस्ट में 3रे नंबर पर हैं। प्रेम चोपड़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्राण के बाद जिस शख्सियत का सबसे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्रीज में खोप रहा है वह है प्रेम चोपड़ा।
इनके बोलने का अलग अंदाज और बॉडी लैंग्वेज इनके रोल में जान डाल देती थी। प्रेम चोपड़ा ने सौतन, उपकार, कटी पतंग, तीसरी मंजिल और दो रास्ते जैसी फिल्मों को यादगार बना दिया। प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के दूसरे सबसे खतरनाक विलेन हैं। प्राण को हम किंग ऑफ विलेन भी कह सकते हैं। प्राण ने इतने नेगेटिव रोल किए हैं कि लोग इनके पास जाने से भी डरते थे, और इन्हीं रोल्स की बदौलत इन्हें साल 2000 में विलेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने मधुमती, अमर अकबर एंथनी, जंजीर और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों में जबरदस्त खलनायक का किरदार निभाया था। प्राण बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन हैं और ये इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।